देख सकते हैं आप, घाट से निकलते ही ऊपर रोड पे आकर ये गेट है श्री चैतन्य मठ। तो ये लिखा हुआ है बंगाली में, मुझे बंगाली तो पढ़ना आता है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाली से हूँ। तो इधर बहुत सारे होटल है तो आप ले सकते हैं, मुझे तो दिख रहा है अभी बहुत सारे होटल है, एक है इधर एक है। तो आप लोगों को अगर किसी को होटल चाहिए तो इधर तो होटल की बहुत है, तो ले सकते हैं आप। अभी अभी तो हम लोग घूमने वाले हैं, पहले घूम लेते हैं, उसके बाद कहीं रुकने की बात करेंगे। तो घाट से निकल के टोटो मिलता है, तो आप लोग चाहे तो मंदिर तक टोटो में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर है नहीं, चल के शायद 10 मिनट ही लगेगा, तो हम लोग इसलिए चल के ही जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, होटल की शेप भी कुछ मंदिर टाइप का है, और हर 100 मीटर में आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, ऐसा हर 100 मीटर में एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। आगे भी एक, पीछे से मैं देखते हुए आ रहा हूँ तो वही फॉलो कर रहा हूँ कि हर 100 मीटर में एक मंदिर है। और हम अभी तो सब मेरे दोस्त सब भी चल के जा रहे हैं। अरे आप लोग एक मज़े की बात बताओ, मैं बोट से क्रॉस कर रहा था और मुझे तब पता चला मेरे दोस्तों में से सिर्फ मुझे ही तैरना आता है और किसी को नहीं, और किसी को भी तैरना आता नहीं। तो सुन के तो पहले मेरा फट चुका था, उसके बाद दिल को शांत करके पार कर लिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, सौ मैंने बोला था ना, वो एक मंदिर था इधर, और एक मंदिर है वो सामने देखिए, और एक है। हर 100 मीटर में 50 मीटर में एक मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा इधर। इधर और एक मठ है शायद से, तो आप अगर चाहे तो इधर स्टे कर सकते हैं, आप अगर 2-3 दिन रहने वाले हो तो इधर स्टे कर सकते हैं। बाहर भी होटल था, आप होटल में भी स्टे कर सकते हो। बहुत सारा धाम है, बहुत सारा आश्रम है, बहुत सारा मठ है, तो आप कहीं पे भी चाहे तो स्टे कर सकते हैं। देखिए अभी तो शायद 5 या 6 मिनट हुए हम चले भी आए, तो ये देखिए सामने टोटो स्टैंड है, तो इधर भी इधर उतना ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप चल के आना चाहे तो आ सकते हैं। बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे मठ देखने को मिल जाएगा, तो आप चल के ही आइए क्योंकि आपको तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटो में 10 रुपये दे के ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इस्कॉन मंदिर, अभी भी शायद मंदिर से हम 200-250 मीटर दूर है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा दिख रहा है मंदिर। मंदिर है तो बहुत बड़ा, कैमरा में आपको कितना बड़ा दिख रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुली आंखों में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, क्या ही बोलूँ। आप देख लीजिए पूरा, ये देख लीजिए। चलिए आगे गेट तक चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर से। ये मंदिर का एंट्री गेट है, तो घुसते हैं अंदर। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, सर पूरे ऊपर करके देखना पड़ रहा है। और यह इधर 24 घंटे हरिनाम चलता है, 24/7 हरिनाम चलता है। तो अभी हम यहाँ से कूपन ले चुके हैं, पर हेड 50 रुपया पड़ा है। आज की रेसिपी प्लेन राइस, दाल, मिक्स सब्जी, पनीर सब्जी और स्वीट राइस, बस इतना ही, 50 रुपया करके, अनलिमिटेड। तो हम मंदिर के अंदर थोड़ा सा सैर करने निकले हैं। ये शायद ये कौन सा मंदिर है भाई? इस्कॉन मंदिर नहीं, इस्कॉन वाला तो वो है, उसका ही पार्ट है। ओह अच्छा, इधर की कोई भी शॉप अभी तक खुला नहीं है, अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो बहुत सुबह है, अभी तो शायद 7:30 या 8 बजे। तो दोपहर में भी आएंगे, कूपन हम लोगों ने ले लिया, तो दोपहर खाने के लिए जब आएंगे तब आप लोगों को दिखा देंगे इधर शॉप में क्या क्या मिलता है। ये शायद मंदिर का बैक साइड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो छोटा सा गार्डन है और 2-4 पेड़ उधर देखिए, 2-4 फ्लावर ट्री है, तो बहुत ही खूबसूरत है। बैक साइड भी बहुत खूबसूरत है मंदिर का, और इधर तो इतनी क्लीन है कि क्या बोलूं। और सुबह आए तो अभी बहुत खाली है।
आप लोगों को अगर कुछ ढूंढने की दिक्कत हो तो इधर बड़ा सा मैनुअल मैप लगा हुआ है, मंदिर में घुसते ही राइट में सीधा आके आपको दिख जाएगा। इस मंदिर के बैक साइड पे है, ये देखिए पूरा इधर मैनुअल मैप दे रखा है कि कहाँ पे क्या है, सब आप देख सकते हैं। मंदिर का ये दूसरा साइड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इतने सारे फ्लावर ट्री है कि क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। देखिए आगे चलते दिखाते, ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, हर जगह जहाँ भी नज़र जा रहा है खूबसूरत ही लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। इस्कॉन मंदिर बंद है, 9 बजे को खुलेगा, अभी उसमें 1 घंटा और लगेगा, तो हम लोग कहीं और जा रहे, थोड़ा सा घूम के देख रहे हैं इधर कि क्या है आसपास। तो इधर आप मंदिर देख सकते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है और हर जगह पेड़ लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। इधर थोड़ा सा मार्केट है, अभी तक तो खुला नहीं है, ओपन होगा तो आप लोगों को दिखा देंगे। और इधर से भी आप मंदिर देख सकते हैं, कितना बड़ा मंदिर है, मंदिर इतना बड़ा है कि क्या बोलूँ, बहुत बड़ा मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ये लोग भी ढूंढ रहे हैं कि आगे क्या है, ढूंढो। चलो साउथ इंडियन लवर्स के लिए गुड न्यूज़ है, इधर साउथ इंडियन की शॉप है, अगर आप में से कोई साउथ इंडियन लवर है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इधर देख लीजिए बहुत पेड़ है, ये देखिए छोटा सा गिलहरी, इधर बहुत सारे गिलहरी है, वो देखिए वो सामने एक और है छोटा सा गिलहरी। मंदिर का पीछे की साइड है देख लीजिए, अभी भी काम चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन फ्रंट से देखने में बहुत सुंदर लगता है, पीछे ये ब्रिकेट लगा हुआ है, काम चल रहा है शायद इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं दोपहर के भोग लेने के लिए, मैं थोड़ा सा रूम में जाके सो गया था, आग लग गया था, तो रात को कोई सोया नहीं था, मेरा आग लग गया था, सबके सब सो गए। उसके बाद फ्रेश हुए, अब क्या जा रहे हैं नामट्टा भवन, हम लोगों के पास भोग का कूपन है तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। कौन मंदिर से बाहर निकलते ही दिख जाएगा आपको, और मैप भी है, 4 नंबर गेट के बाहर ही है, रोड क्रॉस करते ही नामट्टा भवन, ये देखिए बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। हम लोगों को पहले जूता खोलना पड़ेगा इधर, और हम लोग शायद इधर से कोई थैली मिलेगा, उस थैली में सबका जूता भर के देना पड़ेगा। जिन लोगों के पास नामट्टा भवन का कूपन है उन लोगों को सिर्फ मिलेगा ये, तो जूता देते हैं पहले। देख लीजिए जूता रखने के बाद ऐसा कूपन मिलेगा आपको, इसको रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके जूता के लिए। अगर 5-6 लोग एक साथ है या ज़्यादा लोग एक साथ, तो आप लोग अपना कूपन जो है नामट्टा भवन का, ये देखिए कूपन जो है ये हर किसी के पास एक एक होना चाहिए, एक साथ मत रखिए, हर किसी के साथ हाथ में एक एक रख लीजिए, उसके बाद लाइन में लग जाइए। देखिए थोड़ा सा ही लाइन है नामट्टा भवन का अंदर, ऐसा है कुछ इधर। हम लोगों का खाना हो चुका है, इधर हाथ धो के प्लेट रख के अभी बाहर निकल रहे हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जो भी सब्जी या राइस आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, अनलिमिटेड है एक तरफ से, और बहुत ही अच्छा खाना था, खाना बहुत अच्छा था और बहुत स्वादिष्ट था। पहले खाने का रिव्यू दे दो, खाना कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है। खाना कैसा लगा? एकदम बढ़िया, राधे राधे, एवन क्वालिटी, हरे कृष्ण। तो सुन ले आपने, खाना तो बहुत अच्छा ही था, तो ऐसी कोई दिक्कत होगा नहीं कि सब किसी को। तो चलिए अभी हम बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकल के देखते और क्या कुछ है आप लोगों को दिखाया जाए। और अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं इधर खाने के लिए।
आकाश एटार नाम कि ना नामट्टो भवन आपको नामट्टो भवन का सीधा एड्रेस दे रहा हूँ, चार नंबर गेट से घुसते ही बाई तरफ, तो आप लोगों को फायदा होगा ढूंढने में। आप लोगों को होटल के बारे में बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे होटल है, ये देखिए चार नंबर गेट के बाहर ही बहुत बड़ा सा एक होटल है। आप लोगों को 500,000 से शुरू करके आपको 10,000 तक के रूम मिल जाएगा, आप जैसे चाहे वैसे रूम ले सकते हैं। तो हम लोगों का रूम टूर आप लोगों को करा देंगे। हम लोगों का रूम बहुत अच्छा पोजीशन में भी मिला और बहुत अच्छा भी है। तो अभी तो बाहर है, थोड़ी घूम रहे हैं, अंदर जब चलेंगे तो आप लोगों को रूम टूर भी करा देंगे। तो देखते हैं इधर और कुछ देखने के लिए है कि नहीं, और कहीं भी जाएंगे। अभी सिर्फ मंदिर के आसपास ही घूम रहे, तो जब यहाँ से बाहर दूर कहीं जाएंगे, हम लोगों का और भी कहीं जाने का प्लान है, तो वहाँ जब जाएंगे तब आप लोगों को भी दिखाएंगे कहाँ जा रहे क्या कर रहे। तो अभी हम आ चुके हैं इधर शो देखने के लिए, ये आप देख सकते हैं इधर शो होने वाला है। समुद्र मंथन का जो हम लोग का होता है सनातनियों का, वो उसका जो इधर थोड़ा सा एनिमेटेड कुछ होगा। तो चलिए, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, देखते हैं अंदर जाके, उसके बाद आप लोगों को भी बताते। अभी हम शो देख के बाहर आ गए, शो तो अच्छा था बहुत, 20 मिनट का शो। टिकट कितना पड़ा? 40। एक आदमी का 40 रुपया टिकट है, तो आप अगर चाहे तो देख सकते, अच्छा था। और समुद्र मंथन का जो पूरा मेथड है, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। और अभी तो मंदिर खुला नहीं है, पे ये देख सकते इधर ये मेन मंदिर है, और उसके सामने जो है शंकर भवन इसका नाम है, इसका थर्ड फ्लोर में ही हम लोगों का रूम है। तो आप लोग चलिए आप लोगों को रूम टूर करवाते, आप देख लीजिए कैसा रूम है इस। तो चलिए आप सबको रूम टूर करवाते, आइए। उससे पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं शंकर भवन का फोर्थ फ्लोर पे हूँ, और ऐसे देखिए थोड़ा सा, जरा सा देख लीजिए, ऐसे पूरा मंदिर दिखता है, वो भी पूरा का पूरा। और यहाँ से राइट साइड में ये जो आरती वाला मंदिर है, इधर सुबह का आरती और दोपहर शाम की आरती, 6 बजे का और आरती होती है, हर एक आरती इधर होती है। तो जब भी आपको देखने के मन करे आप यहाँ से देख सकते हैं या नीचे जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए, एक कोई पहले से बता दो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा बस इसलिए बता रहा हूँ आप सबको। आप भी चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि आपकी बजट के बाहर जा रहा है, तो आप बाहर भी मंदिर की मेन गेट के बाहर राइट साइड लेफ्ट साइड बहुत सारी और भी रिजॉर्ट या होटल टाइप्स है, उधर भी आप लोगों को बहुत कम में मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों को रूम टूर करवाते हैं। ऑफिशियल लाइट बुला चला, इधर आप देख सकते हैं छोटा सा एक डेस्क है, तो मेरा चार्जर पड़ा हुआ है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इधर गीता रखा हुआ है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और बंगाली में ही, और भी बहुत अच्छे। तो हम 5 लोग हैं, 5 लोगों के तो कोई रूम हमको मिला नहीं, हम लोग 4 लोगों के 4 बेड वाले रूम मिला है, और हर बेड के पीछे एक भगवान नारायण की एक बहुत अच्छी सुंदर सी फोटो है। और अभी आ गई और थोड़ा सा कवर्ड है हम लोगों का, इधर हम लोगों के कपड़े पड़ा हुआ है इधर, तो आप देख सकते कैसे पड़ा हुआ। और ये 2 बेड है, और इधर भी सेम चीज़ है, नारायण की बहुत अच्छी फोटो है दो, और ये फोटो तो हर किसी के घर में रहता है, आप देख ही सकते हैं। और इधर पर्दा हटाने से पूरा व्यू मिल जाता है। जा भाई मेरे,
इसको हटाने से अगर आप ठंडी में आ रहे हो नेचुरल हवा भी मिलेगा आपको। राइट साइड इधर से राइट में पूरा मंदिर दिखता है और सामने शायद एक और कोई भवन रेडी हो रहा है अभी। तो बस यही आप लोगों को बस दिखाना था। और बाथरूम भी बहुत अच्छा है लेकिन मैं ब्लॉग में दिखाना नहीं चाहता हूँ बाथरूम को, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लाइट रुकिए थोड़ा सा, ये देखिए इस तरफ भी आप लोगों को तो और एक चीज दिखाना भूल ही गया, इधर आप देख सकते छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है हमारे लिए, अगर किसी को कुछ चाहिए तो छोटा सा फ्रिज, ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी तो हम आरती के लिए जा रहे हैं, संध्या आरती जो होता है हम लोगों के सामने ही मंदिर है, पर वहाँ पे कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं है। आपको किसी भी छोटी सी वीडियो फुटेज आपको अगर आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाएंगे ज़रूर। अभी तो फ़ोन रख के जाना पड़ेगा रूम पे ही, तो आप लोगों से आरती देखने के बाद बात करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि आरती तो अच्छा होता ही है इधर का, सबको पता ही है, फिर भी हम पहली बार आए इसलिए थोड़ा सा देख के आते मन की शांति के लिए। तो चलिए आके बात करते हैं आप लोगों से।